स्वागत है आपका ससी के किचन में। आइए आज हम बनाते हैं इमली की चटनी। ये इमली की चटनी हम बहुत ही खट्टी मीठी रहती है और इंस्टेंट चटनी रहती है। इसके लिए हमने ये इस तरीके से मार्केट में जो गूदे वाली इमली आती है इसको हमने लिया हुआ है, और 250 ग्राम गुड़ लिया हुआ है। 250 ग्राम ही इमली हमने ली हुई है। तो इस इमली को हम साइड कर देते हैं। ये इमली हमने पहले से जो है भिगो कर रखी है। एक ये देखिए हमने निकाल लिया है इसका ये पल्प। 1 घंटे हमने इसको इमली को भिगो दिया था पानी में, और उसके बाद उसका वो निकाल कर पूरा छिककर ये जो पेस्ट निकलता है इसको अलग रख लिया है, और जो है कि इसको छानकर छन्नी से बड़ी वाली छन्नी से छानकर हमने इसका गूदा तैयार कर लिया है। तो आइए बनाना शुरू करते हैं इमली की इंस्टेंट चटनी। तो देखिए गैस पर मैंने इसको पकने के लिए रखा हुआ है। हाई फ्लेम पर अभी हम इसको थोड़ा सा खौला लेंगे, उसके बाद इसको चलाते हुए पकाएंगे। देखिए इमली हमारी खौलने लगी है। अब हम इसमें डाल देंगे गुड़। गुड़ जो कि हमने तोड़ के रखा हुआ महीन महीन करके हम इसमें डाल देंगे, और इसको अब गाढ़ा होने तक पका लेंगे, लगभग 10 मिनट तक। देखिए इमली की चटनी को हमने 10 मिनट तक खौला लिया है। अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच सौंफ और आधा चम्मच जीरा। सौंफ जीरा हमने इसमें खड़ा ही डाल दिया है, इस तरीके कच्चा ही। आप सोच रहे होंगे कि इसमें कच्चा क्यों डाल दिया है, लेकिन वो आसानी से पक जाएगा इसमें और उसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा इसमें। और इसमें हम डाल देंगे 1 आधा चम्मच नमक, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, ताकि खट्टा मीठा टेस्ट तीखा सा आएगा इसका, तो बहुत अच्छा लगेगा इसका टेस्ट। इसमें हमने थोड़ा सा सोल्ट पाउडर भी हम डाल रहे हैं इसमें। आप इसमें अगर आपको अदरक का पेस्ट पसंद है तो आप इसको पहले ही इसमें अदरक डाल देंगे ताकि वो अच्छे से पक जाएगी। अगर आप सोल्ट का पाउडर डाल रहे हैं तो बाद में ही डालिए, और इसको अच्छे से गाढ़ा होने तक पका लीजिए। आपको जितनी गाढ़ी पसंद है चटनी आप उतना गाढ़ा पका लीजिए। ये देखिए कितनी अच्छी चटनी हमारी पक रही है। देखिए आपको पता होगा कि देखिए कितना आसान है इमली की चटनी बनाना, ये कितनी आसानी से बन जाती है। अब हम इसको गाढ़ा कर लेंगे, जितना गाढ़ा हमको पसंद है उतना गाढ़ा कर लेंगे। देखिए इमली की चटनी हमारी कितनी गाढ़ी हो चुकी है। अगर आपको तुरंत इस्तेमाल करना है तो आप इतनी गाढ़ी करिए, अगर आपको स्टोर करके रखना है तो इसको आप और गाढ़ा करिए, तभी स्टोर करके रखिए। अभी ये ठंडी होने के बाद चटनी और थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी। तो देखिए पककर तैयार है हमारी इमली की चटनी। अब गैस की फ्लेम को हम बंद कर देते हैं, और इसको ठंडा करके एक कंटेनर में ट्रांसफर कर लेते हैं। तो आपने देखा कितना आसान है इमली की चटनी बनाना। तो आप इमली की चटनी बनाइए, दही बड़ा, चाट, पकोड़े, समोसे किसी के साथ भी इस्तेमाल करिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो फ्री में सब्सक्राइब कीजिए शशि का किचन यूट्यूब चैनल को, और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।